हेलो फैमिली, तो की हालचाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइज। और आज की जो हमारी टॉपिक है गाइज, ये है आपको इंडिया अभी के जस्ट मतलब जो लॉन्च भी हुआ है, कुछ ही दिन हुए हैं गाइज, उसका नाम है सन पावर ऐप, जो कि अर्निंग मोबाइल ऐप है गाइज, और जो कि आप जो है ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। इससे पहले जो एक मार्केट में बहुत सारा ऐप भी आया था लाइक पावर बैंक, जो कि मैंने यूज भी किया था गाइज, तो सेम उसी तरह का ऐप है। इसमें जो है आपको अर्निंग करने के लिए जो है आपको क्या करना होता है, कैसे करना होता है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है गाइज, देन जो है गाइज आप यहां से आप भी अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आप जो है कैसे इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, उसका क्या फीचर्स है, तो इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और साथ ही साथ जो है मैंने अपने इसके जो है कस्टमर सपोर्ट से भी मैंने बात किया है, इसकी जो भी रिक्वायरमेंट थी मैंने उसके बारे में भी बात किया है गाइज। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ऐप का नाम बता दूं, ऐप का नाम है सन पावर ऐप। एक्चुअली गाइज मैं बता दूं, मैं किसी भी ऐप को जो वैसे प्रमोट नहीं करता हूं, मैंने इसके बारे में जो है जानकारी जो है कलेक्ट किया है, उसके बाद जो है मैं भी आज इसमें जो है मैं भी अपने जो कुछ पैसे लगाने वाला हूँ, जो कि एक इक्विपमेंट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ साथ जो है प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, जो है आपको मेरे इस यूट्यूब के जो वीडियोज़ की डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक मिलेगा, और उस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। आपको रजिस्टर कुछ रजिस्टर करके लिखा होगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है गाइज देखिए, लाइक मैं इस पर अभी क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जो है गाइज आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, आप जो भी ब्राउज़र यूज करते हैं उस ब्राउज़र में ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगी। एंड देन जो गाइज आपको क्या करना है, तो आप देख लीजिए कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जो कि सोलर पावर जनरेशन सर्विस वेलकम टू सन पावर। तो यहाँ पे जो गाइज आपको यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर देना है, जहाँ पे आपको लिखा हुआ है प्लीज़ इंटर योर मोबाइल नंबर, उसके बाद जो आपको कैप्चा डाल देना है, प्लीज़ इंटर द वेरिफिकेशन में जो है आपको जैसे मेरा 1260, उसके बाद जो है दो आपको पासवर्ड डालना है, प्लीज़ इंटर द पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड, दो जगह आपको पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद जो है गाइज आपको कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, लाइक मैं अभी अपना लॉगिन कर लेता हूँ, मैंने जो है आईडी बना रखा है गाइज, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद जो है गाइज आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो आपको जो है गाइज आपको कुछ करना नहीं है, क्लिक टू डाउनलोड ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो गाइज ऑटोमेटिक ये गूगल प्ले स्टोर को रिडायरेक्ट करेगा, और वहाँ से जो गाइज आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद जो गाइज इसे ओपन पे क्लिक करते हैं, देन जो है मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। गाइज मैं आपको बता दूँ, भले ये वीडियो जो है थोड़ी लंबी होने वाली है, थोड़ी बड़ी होने वाली है गाइज, लेकिन इसमें आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जो आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो आपने जो कॉन्टैक्ट नंबर इसमें रजिस्टर मोबाइल नंबर जो दिया था गाइज वो मोबाइल नंबर डाल देना है, एंड जो गाइज यहाँ पे आपने पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है गाइज। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो गाइज आपको एक पॉपअप देखने को मिलेगा, जिसमें गुड न्यूज़ होगा, फॉर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट कस्टमर सर्विस टू रिसीव 60 रुपीज़ रिवॉर्ड बाय इक्विपमेंट एंड गेट 60 रुपीज़ अगेन। तो गाइज पहले मैं इसके बारे में बता दूं कि इसमें अगर आप जैसे रजिस्टर करोगे तो आपको 60 रुपीज़ जो है इसमें आपको मिल जाएगा। देन जो है अगर आप कोई भी इक्विपमेंट लाइक कोई भी जो है पैकेज बोल दे या इक्विपमेंट बोल दे या कोई भी पैक आप परचेज करते हो, उसमें आपको 60 रुपीज़ जो है फिर से अगेन मिल जाएगा गाइज। एंड देन जो है नंबर टू, इसमें द स्टार्ट प्रमोटिंग योर इन्विटेशन कोड नाउ, इन्वाइटेड पर्सन टू ज्वाइन सन पावर, यू कैन गेट 100 रुपीज़ रिवॉर्ड फॉर कस्टमर सर्विस। ओके गाइज, तो यहाँ पे जो आप जैसे अर्निंग मतलब स्टार्ट प्रमोटिंग करेंगे इन्विटेशन कोड के थ्रू, तो आपको जो है यहाँ पे कस्टमर सर्विस के थ्रू जो आपको 100 रुपये का रिवॉर्ड्स मिलेगा। ओके, अब मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ गाइज। अब ये रहा आपका जो है फर्स्ट इंटरफेस, ऐप का इंटरफेस जो है गाइज कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। अब जो गाइज आपको हम जो बताने वाले हैं, इसमें आपको कुछ समझाने वाले हैं गाइज, तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा दूँ, मेरे पास जो करंट बैलेंस जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 रुपीज़ है। करंट बैलेंस जो है मेरे पास यहाँ पे 60 रुपीज़ है गाइज। एंड देन जो गाइज यहाँ पे आप कुछ इसमें आपको दिखा दूँ, जो फर्स्ट जो पावर बैंक के थ्रू जैसे था वैसे सेम टू सेम है। टुडे अर्निंग 0, ऑल अर्निंग 0, प्रॉपर्टी 0। उसके बाद जो गिफ्ट बोनस है इसके बारे में मैं आपको बता दूँगा, अभी गिफ्ट बोनस लेना कैसे वो मैं आपको बता दूँगा लास्ट में। एंड देन जो है गाइज यहाँ पे आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाती है। चलिए मैं आपको रिचार्ज पे क्लिक करता हूँ। रिचार्ज पे क्लिक करने के बाद जो है गाइज यहाँ पे आपको रिचार्ज करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। चलिए मैं सबसे पहले आप जो आपको इक्विपमेंट के बारे में बता दूँ क्या है इसका गाइज। यहाँ पे जो है आपको फर्स्ट वाला जो है डिवाइस की प्राइस जो होती है 500 रुपीज़ से, 500 रुपये लगाते हैं आप तो 21 रुपीज़ पर डे मिलेगा, मतलब 21 रुपये डेली आपको मिल जाएगा। और ये जो है दो बार आप खरीद सकते हैं, जिसका जो वैल्यू है 365 दिन। गाइज मैं आपको बता दूँ, इस पर 365 दिन लिखा हुआ है, लेकिन ऐप
की जो है कोई गारंटी नहीं है, मतलब ये लॉन्च हुआ है तो 6 महीने चलना ही चलना है, इतना तो है, क्योंकि अगर किसी ने ऐप बनाया है गाइस तो कम से कम 6 महीने चलेगी ही, उसके बाद जो है कब भाग जाए उसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन फिर भी जो है 6 महीने अगर चलनी है तो इसमें तो अपने पैसा निकल ही जाना है गाइस, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। अगर आप चाहो तो रिस्क लोगे जब भी भाई पैसे कमाओगे, अदरवाइज जो चाहते हो या बिना रिस्क लिए तो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। उसके बाद जो है फर्स्ट वाला दूसरे सेकेंड वाला है आपको 6,000 रुपये का, अगर 6,000 रुपये अगर लगाते हो गाइस तो आपको 264 रुपये पर डे मिलता है। अगर इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं गाइज 500 रुपीज़ अगर लगाते हैं तो 21 रुपये मिलता है डेली, महीने का जो है 650 रुपये समथिंग हो जाता है, इसका तो मैंने अभी कैलकुलेट किया नहीं है। अगर 650 होता है तो 7,500 से 8,000 रुपये हो जाएंगे, जाने चाहिए गाइज, तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाए। अगर मैं बात करूँ गाइज यहाँ पर मिनिमम अगर लगाना चाहो तो दो वाले में लगा सकते हो, फर्स्ट 500, ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 रुपये से ज़्यादा मत लगाना मेरे भाई, या आपकी है पैसे आप चाहो तो आप कुछ भी लगा लो, बहुत सारे यहाँ पे हैं आप चाहो तो कुछ भी लगा सकते हो गाइस, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 500 से 6,000 के बीच में ही लगाना है। अब चलिए गाइस मैं आपको बता दूँ कि अब इसकी जो है बाय कैसे करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, नीचे में आपको माय देखने को मिल जाएगा, माय प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद जो है आपको अकाउंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो है आपको अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे प्लीज़ इंटर योर कॉन्टैक्ट बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर, BNE डाला हुआ है बेनिफिशियरी हो गया, उसके बाद उसमें मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल डाल देना है, बेनिफिशियरी नेम डाल देना है, बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है, बैंक नाम, बैंक ब्रांच, बैंक सिटी, IFSC, पेटीएम, सेव कर देना है गाइस, ये आपको करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद अगर मैं गाइस बात करूँ विदड्रॉ की, विदड्रॉ आप कितना कर सकते हो गाइस, जैसे आप मुझे 60 रुपये मिला है, अगर आपके पास जो है 110 रुपये तक है तो आप विदड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं उसे चेक करके दिखा दूँ, अगर मैं यहाँ पे 60 रुपये डालता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो आपको देखने को मिल जाएगा द मिनिमम विदड्रॉ अमाउंट इज़ 110 रुपीज़, 110 रुपये तक मिनिमम कर सकते हैं गाइस। चलिए मैं अब बैक आता हूँ, बैक आने के बाद जो मैं रिवेन्यू, इसमें आपको रिवेन्यू अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने एक भी इक्विपमेंट जो है मैंने परचेज़ नहीं किया है गाइस। अगर मैं बात करूँ टीम की, डिवाइस, गिफ्ट वाउचर, आप चाहो तो डायरेक्ट जो एग्जीक्यूटिव सर्विस TG ग्रुप कुछ इस तरह से आप इसके चैनल पर डायरेक्ट बात कर सकते हो गाइस। चलिए अब मैं होम पेज पर आता हूँ, होम पेज पर आने के बाद जो गाइस अब मैं बात करने वाला हूँ आपसे, इक्विपमेंट तो हो गया, रिवेन्यू पर मैं क्लिक करता हूँ, रिवेन्यू अभी हमारा कुछ बना नहीं है गाइस। तो चलिए जो है अब मैं आप कुछ जो है मैंने बात करी है जो कि इस जो चैनल जिसका है ये, मैंने उनसे कुछ बात करी है, चलिए मैं आपको वो पहले दिखा दूँ। मैंने हेलो लिखा था, उसके बाद हाय आई एम द कस्टमर सर्विस मैनेजर एट सन पावर एंड माई नेम इज़ रवि मोनी, तो यहाँ पे मुझे बताया प्लीज़ प्रोवाइड यू सन पावर ID या रजिस्टर मोबाइल नंबर, तो मैंने पावर ID बताया तो फिर बोला प्लीज़ प्रोवाइड द करेक्ट मोबाइल नंबर, तो मैंने यहाँ पे जो उसका मोबाइल मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हूँ और देन मैंने जो लिखा वेयर कैन आई गेट ए गिफ्ट कोड, तो यहाँ पे मुझे बताया गया कि गिफ्ट कोड कैसे आप बता सकते, मैंने आपको पहले बता दिया मैं आपको गिफ्ट कोड लास्ट में बता दूंगा गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन्वाइट योर फ्रेंड्स टू बाय द डिवाइस एंड माई टेलीग्राम कॉन्फर्मेशन यू कैन गेट इतना रुपीज़ एक्टिवेशन कोड रिवॉर्ड्स, अगर मैं इसे देखता हूँ क्या 2 लाख तक का है, 20 लाख तक है, जो भी है वट एवर, तो आप इस तरह से ये कर सकते हो। ओके थैंक यू, मैंने बोला फिर उधर से मैसेज आया मुझे लेट मी टेल यू अबाउट इक्विपमेंट प्राइस एंड रेवेन्यू, तो मैंने आपको जो बताया वो सेम है। एंड उसके बाद जो फ्री 60 रुपीज़ परचेजिंग एनी डिवाइस सिस्टम, द डिवाइस इज वैलिड फॉर 1 ईयर एंड कैन कंटिन्यू प्रोवाइड ईयर ऑफ इनकम, ये बताया गया मुझे कि आप कोई भी अगर डिवाइस परचेज़ करते हो, कोई भी आप इक्विपमेंट परचेज़ करते गए तो आपको 60 रुपीज़ मिल जाता है, उसके बाद जो ये इसका जो वैलिड होता है ये 1 साल तक का होता है। फिर मैंने बोला मिनिमम विदड्रॉल, तो उसके बाद द विदड्रॉल टाइम इज़ 10:30 to 3:30 PM, तो गाइस 10:30 बजे के 3:30 बजे तक जो है विदड्रॉल कर सकते हैं जो कि मंडे टू फ्राइडे सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, एंड दिस विदड्रॉल रिक्वायर्स एंड 8% हैंडलिंग फी, इन मिनिमम विदड्रॉल 110 रुपये, विदड्रॉल अराइव्स विद इन 24 आवर्स। तो गाइज यहाँ पे जो मैं आपको बता दूँ 110 रुपये से कम आप नहीं विद्रॉ कर सकते, और विद्रॉ जब जो करोगे तो ये 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा गाइज। चलिए अब जो हम बात करते हैं गाइज कि अब इसमें हम इक्विपमेंट कैसे परचेस करना है, और परचेस करने के बाद जो है 60 रुपीज़ जो है आता है नहीं आता है, अभी मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ गाइज, वीडियो को लास्ट तक देखना आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, मे बी वीडियो लंबी हो सकती है, मैंने पहले भी बताया था, लेकिन आपको एक ही वीडियो में जो है पूरी जानकारी मिल जाएगी गाइज। देन जो गाइज यहाँ पे मैं रिचार्ज पे अगर क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले मुझे बाय पे क्लिक करना है, रिचार्ज पे क्लिक करने के लिए जो है टॉपअप देख लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से जो है 500 का रिचार्ज, सबसे पहले यहाँ पे आपको चेक कर लेना 500 वाला लेना है, तो रिचार्ज पे नीचे में क्लिक करके यहाँ पे आपको 500 मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद जो है गाइज आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, फर्स्ट फेज जो है आपको कुछ ये आपके ब्राउज़र में ले जाएगा, उसके बाद जो है यहाँ पे पेटीएम, फ़ोनपे, अदर, तो गाइज आप जो चाहो वो यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे मैंने पेटीएम को सेलेक्ट कर रखा है, तो मैंने पेटीएम पे 500 मैंने क्लिक कर दिया गाइज, देखते हैं क्या होता है, पिछले पेपन
यहाँ पे आप तीन चीज़ से सिलेक्ट कर सकते हैं, पेटीएम, फोन पे। अदर्स पे क्लिक करें तो आप बैंक वैंक से भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो गाइस। तो मैंने डायरेक्ट पेटीएम पे सिलेक्ट करके छोड़ दिया, उसके बाद मैंने ये वीगन पेमेंट पे जो है थोड़ा सा रिफ्रेश ले रहा है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। मे भी हो सकता है फोन पे का मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद जो है उसके बाद जो है गाइज मैं यहाँ पे फोन पे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जो है गाइज यहाँ पे मुझे पे 500 पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है गाइज ये आपको डायरेक्ट फोन पे लेके चला जाएगा। उसके बाद जो आपका जो भी कोड है, आप जो पासवर्ड यूज़ कर रहे हो पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद जो है गाइज यहाँ पे आपको 500 पे सिलेक्टेड हो चुका है। यहाँ पे मुझे सेंड पे मुझे क्लिक कर देना है। सेंड पे क्लिक करने के बाद जो है गाइज यहाँ पे मुझे अपना UPI डाल देना है। आपकी जो भी UPI हो UPI अपना डाल देना है गाइज। आपको डालने के बाद जो है गाइज मैंने यहाँ पे पेमेंट पे, अब देखते हैं आता है नहीं आता है। पेड 500 सक्सेसफुली हो चुका है गाइज। अब जो है मैं यहाँ से नीचे डन पे क्लिक कर देता हूँ। हैज़ द पेमेंट बीन कंप्लीट, कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। एग्जिट अब जो गाइज ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगा। देन जो यहाँ पे फिर से मुझे पॉपअप देखने को मिल चुका है। अब जो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं मेरा करंट बैलेंस जो है 560 रुपये हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं मैंने 500 रुपये का इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो है 560 रुपये मेरा हो चुका है गाइज। अब मैं इसे बाय कैसे करना है, आपको नीचे में जो है बीच वाले ऑप्शन पे बाय का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बाय वाले ऑप्शन पे देख क्लिक करने के बाद जो है गाइज आपको कुछ आपकी इक्विपमेंट देखने को मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे जो है बाय पे क्लिक कर देता हूँ 500 वाले पे। मैंने जैसे क्लिक किया गाइज तो यहाँ से जो है मेरा 500 रुपये कट चुका है, जो कि कम्युनिटी इनकम 0 रुपीज़, परचेज डेट इतना, अर्निंग 365 दिन, कुछ इस तरह से मुझे देखने को मिल चुका है गाइज। चलिए आप जो है मैं बैग आ जाता हूँ। बैग आने के बाद मैं अपने चार्जेस चेक कर लेता हूँ। अभी तक मेरे पास 560 रुपये हैं। अब जो गाइज अब हम थोड़ा चेक कर लेते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं, देखते हैं हमारा जो है बैलेंस कटा है या नहीं कटा है। तो मेरा करंट बैलेंस जो है 120 रुपये हो चुका है। आप देख सकते हैं गाइज मैंने 500 रुपये लगा भी दिया है, मेरे पास जो है 120 रुपये बच भी गया है। अब इसे मैं चाहूँ तो इसे विदड्रॉल भी कर सकता हूँ और मैं उसे अभी तुरंत आपके सामने जो विदड्रॉल करके दिखाने वाला हूँ गाइज। लेकिन मैं इसे अब जो है अब मैं अपनी इक्विपमेंट पर चेक कर लेता हूँ। इक्विपमेंट पर मैंने क्लिक करनी है और माई इक्विपमेंट पर क्लिक कर देनी है। तो आप देख सकते हैं ये जो मेरा अभी चल रहा है 500 का ये। तो आप कुछ इस तरह से आप भी जो है कर सकते हैं। आपको जो नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको विदड्रॉल कैसे करना है आपको वो मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो चुकी है गाइज। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। और गाइज मैं आपको बता दूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके जो है आप रजिस्टर कर लेना है। और जो है गाइज आप अगर चाहो तो आप इसे अर्निंग कर सकते हो ये, लेकिन अभी 2-3 महीने चलना ही चलना है इसको गाइज। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू एंड टेक केयर गाइज़।